good, need the cardio. I'm playing like Mario. Hello friends, good morning, welcome back to my channel. अभी बज चुकी हैं 6:30 और मैं आज बहुत जल्दी उठ चुकी हूँ क्योंकि आज से मैंने डिसाइड किया है कि ना आज से थोड़ा सा योगा और वॉकिंग स्टार्ट की जाए. तो अभी सुबह मैं बना रही हूँ मेरे लिए फर्स्ट ग्रीन टी. ग्रीन टी पीकर फिर जाऊँगी बाहर वॉकिंग करने के लिए. आज तो वॉकिंग से ही स्टार्टिंग करते हैं. ग्रीन टी बन चुकी है पीकर अच्छे से. सुबह सुबह मज़ा आ रहा है ग्रीन टी पीने का भी कि कितना अंधेरा है. अभी तक सूर्योदय हुआ नहीं है तब तक अपन वॉकिंग. वॉकिंग हो गई है अब जाते हैं योगा करने के लिए. बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह उठ के वॉकिंग वगैरह करने में. Scorpio, but that don't cross the minds when we on the cardio. Bet you on a peak, bet you on a seat. आज मैं जल्दी उठ गई थी और मेरा योगा भी कंप्लीट हो गया. तो इसी वजह से आज जल्दी उठ गई थी तो मेरा काम सब कंप्लीट हो गया है. तो क्यों ना टाइम का थोड़ा यूटिलाइजेशन किया जाए. और अभी सिर्फ बज रही है 9:30 और मेरा तो ब्रेकफास्ट हो गया है. चिकू का बाकी है. चिकू आएंगे तो चिकू को करवा दूँगी. चिकू अभी नहाने के लिए गए हैं इसलिए तब तक मैं क्यों ना एक दो सेक्शन और जमा दूँ. मैंने ये दो सेक्शंस तो जमाए थे या नीचे भी मैंने मेरा वाला जमा दिया था तो कुछ बाकी हैं चिकू वाले तो ये जमा देती हूँ. टाइम भी मिल गया है सो इसको जमा देते हैं. थोड़ा सा ही ज़्यादा कम नहीं बिखरेंगे क्योंकि अपन को दुकान भी जाना है इसलिए. सफाई कर दी है सारे कपड़े वापस से जमाए और थोड़ा बहुत तो मैस हो ही रखा है अभी तक. ये इधर जमाए पूरा सेक्शन कंप्लीट प्रॉपर और इधर जमाया और जो भी नए कपड़े थे वो अंदर रखे और जो काम के नहीं हैं कपड़े जो चिकू के नहीं आ रहे वो इतने सारे निकाले देखो. और कुछ यहाँ पे भी पड़े हुए हैं कुछ यहाँ पे भी हैं. अब इनको मैं समेट के रख देती हूँ क्योंकि सारे ही कपड़े ऐसे हैं ना ना फेंके ना दे कैसे हैं पर सही समेट के रख देती हूँ. जो ज़रूरतमंद है उसको दे देंगे. साथ ही काम करते करते मैंने कहा यार खाना बना लेती हूँ नहीं तो लेट हो जाऊँगी क्योंकि 12 लगभग बज गई थी. पर साथ में हमने आज छेड़ दिया है थोड़ा सा लड्डू का कार्य क्योंकि सर्दी तो जाने आ गई है. सर्दी जाने आ गई है कब बनाएंगे लड्डू यूँ करके. पर थोड़े से ही बना रहे पहले का ही ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर पूरा पड़ा हुआ है तो थोड़े से बना देते हैं यूँ. ये कढ़ाई रखिए अभी ये नारियल पीस रहे हैं. छोटे छोटे बना देंगे लड्डू थोड़े से क्योंकि खाता नहीं है ज़्यादा. अगर अच्छे लगे तो वापस बना देंगे पर ज़्यादा बिगाड़ा नहीं करेंगे यूँ. लड्डू बन चुके हैं और अभी लड्डू को हम बांधेंगे जो थैली में उनके मम्मी बांध रहे वैसे बांधेंगे नहीं तो हाथ जल जाएंगे. लड्डू बन गए हैं अभी खा लेते मम्मी और हम दोनों खाना फिर मैं नहा लूँगी फिर जाऊँगी शॉप पर. आज नहाने के लिए बहुत लेट हो गई पर वाह काम हो गया आज विंटर का सबसे बड़ा काम हो गया. चलिए मैं हो चुकी हूँ रेडी अब जाते हैं शॉप पर. और चिकू को भी फ़ोन कर दिया है और आज काफ़ी लेट है काफ़ी क्या हो लेट हुए हैं इस बात से आज मैं मेरी घड़ी भूल गई हूँ. अच्छा किया ना मैंने आपको बताया 79% चार्ज. चल के नहीं आ सकती. चल के नहीं मैं आ ही रही थी. मैंने कहा बोला मैं नहीं चल सकती हूँ. चलाना सिखा देंगे. मैं क्यों देंगे अभी ठंड में गिरेंगे को सेवा कौन करेगा इन पे. मैं आ गई हूँ शॉप पर. आज तो काफी लेट पहुँचे टाइम बताते बताते निकल गई. 3 बज गई अभी. बम कहाँ से गिरी मेरी. मैं आ गई थी पीछे शॉप पर और कस्टमर थे तो कस्टमर अटेंड किए और थोड़े बहुत काम भी थे वो भी किए. प्लस पर कल जो हमने ये साफ़ किया था ना वो अच्छे से साफ़ नहीं हुआ है तो इसको साफ़ करने का और कोई तरीका ढूंढते हैं. थोड़ा बहुत रह गया यानी इधर साफ़ हुआ है उधर नहीं हुआ दिख रहा होगा आपको अनइवननेस. अब इसको साफ़ करके देखते हैं कैसा साफ़ होता है ये. अभी की आगे वाले वो छोटे छोटे जो सेटीज़ हैं उनकी सफ़ाई तो आज पूरा क्लीन हुआ है पर ये 2-3 बार और क्लीन करेंगे तो प्रॉपरली क्लीन होगा. कहीं कहीं वेट है कहीं कहीं ड्राई हो गया है. पूरा कम्प्लीटली ओवरऑल पूरा ड्राई हो जाएगा फिर पता चलेगा क्योंकि ऐसे तो पता चलने वाला है नहीं इसलिए. और
अभी क्या बता, चिकू का फ़ोन आया था, क्या लेके आ रहे हैं? राम जाना है, फ़ोन आया था, ये कह रहे थे कुछ लेके आ रहा हूँ, देखते हैं अब क्या लेके आते हैं। आए तो नहीं है अभी तक। मैं बार बार काम करते समय मेरे बाल टाइम कर देती हूँ, तो वो चीज़ गलत है, बाल खुले ही रखने चाहिए। और ये अभी चिकू आया है, क्या हुआ? ओ मेरी घड़ी का ये लेके आ रहे थे आप? तो फाइनली मेरी घड़ी का बेल्ट आ चुका है, अभी मेरी घड़ी के अंदर ये वाला बेल्ट एक्सचेंज करेंगे। अनबॉक्स करने के तो माहिर है, मास्टरपीस। लो तुम्हारी वॉच दो। निकालो ना, एक हाथ से नहीं निकाल सकती। ओ एग्जैक्ट कलर है क्या? सेम सेम ही मंगा है ये। ओ हाँ, छह कड़ियाँ निकालनी पड़ेगी, तीन तीन। अभी ये मेरी साइज की बन रही है वॉच। ये डिस्टर्ब नहीं लगा देता डायरेक्ट? थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी बेल्ट लगाते लगाते, शायद जो क्लिप्स निकालनी थी वो उल्टी साइड से निकल गई, तो कुछ फंस गया ऐसा बोल रहा है चिकू। मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है, क्योंकि यही चुपचाप रह के काम कर रहे हैं, कुछ भी बोल नहीं रहे, क्योंकि कुछ सीरियस काम कर रहे होते तो बोल नहीं सकते ना। बस अब रेडी होने वाली है मेरी वॉच, ये रही। अभी मैं करवाने वाली हूँ मेरे हेयर कट, क्योंकि मेरे थोड़े थोड़े नीचे से बाल, मुझे एक बाल दिखा है स्प्लिट एंड्स का, पर थोड़ी ट्रिमिंग ले लेनी चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है ट्रिमिंग लेते रहते हैं तो बाल भी जल्दी लंबे होते हैं। इसी वजह से अगर आप मेरे कंटिन्यू व्लॉग देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मेरे बाल इतने थे और मैंने अभी केयर कर करके इतने लंबे किए हैं, जिसमें मैंने इतने तो कितनी बार काटे हैं। यानी कटिंग होती रहती है ना टाइम से, तो बाल भी बहुत जल्दी बढ़ते हैं। इसीलिए बस अभी एक बार वॉच पहन लें, बाकी सब काम इसके बाद। और आज तो मैं सुबह उठ के फुल चली हूँ, आज तो मेरी वॉच देखने में को मज़ा आ रहा है बार बार। हो गई है मेरी वॉच तैयार, अभी पहनना ही चाहिए मेरे हाथों में। जोरदार चिमटी आ गई चिकू, क्या किया तुमने? हाँ ऐसे प्यार से पहनो, तुमने तो भटक दबा दिया। ज्यादा टाइट नहीं, इतने चाहिए? नहीं नहीं ज्यादा टाइट है, तो लूज चाहिए। यहाँ बराबर है, मस्त तो लग रही है चिकू यार, पर एक क्लिप और डाल ही दो है ना, फटाफट। हाँ। नहीं होगा फिर कहीं तुम ही मेरे को नींद में ऐसे उठा दो कट करके डाल दो एक। तो अभी हो गया है हमारा हेयर कट का टाइम, वॉच कंप्लीट। कैसी लग रही है वॉच? वॉच तो अच्छी है पर बेल्ट नया है, तो अभी हेयर कट होगा। ज्योति आएगी, हेयर कट का भी सेटअप लगाएगी अपने। हेयर कट तो हो गया है अपने, अब जाते हैं आगे वाली शॉप पर। हाथ बहुत ड्राई हो गए तो एक आधी हैंड क्रीम लगाते हैं। अभी जाते हैं घर पर। घर पर आ गए हैं और घर पर आकर बनाए हैं आज मक्की के आटे के अंदर मेथी के पराठे, यानी वो मैं नहीं बना सकती थी इसलिए मम्मी बना रहे, तो आपको बताती हूँ किस टाइप से बन रहे। चलो, इस टाइप से सूखे मक्की के आटे में मेथी और मसाले मिक्स किए गए और ये हाथों से मम्मी बना रहे हैं। ये एक पराठा बन गया, एक और बन गया है, इसके ऊपर फिर ऑयलिंग वगैरह लगा रहे। ये दूध एक तरफ गर्म किया है अकेले पराठे के साथ। तो बस ये अभी मक्की के पराठे बन रहे हैं और ये वहाँ पर मिट्टू पानी पीने जा गया है। एक मिट्टू वो अंदर ही है, वो दूसरे वाले मिट्टू को बुला रहा है। इन पानी पी हुए अंदर में नल सब कर दीजिए। वो है वो लगे अब अपना पंडित जगह पे मैं ना डॉक्टर पे ले जा दे ना। आईडिया लगा रहा है इसके, कैसे नहाना है।
इन जिलुए पर इन के सिस्टम मल ही नहीं रहे बापड़ा वो कांच में देखी नो कर रही हो स्लिप थवाई रुवे पास से पत्थर छोड़ी रहे इनके डंडी और को मिला है वो है अबे नहीं करनी लाला ये बिच्छू है देते बिच्छू इनके गाड़ू मिल पड़े मस्त केम डंडी और को है झाड़ू मेलो वाड़ू ही गुड़ू करे इनका ले तेरे स्टैंड रखा है जा जा मैं यहाँ से हटूंगी तो ही वहाँ जाके बैठेगा मैंने झाड़ू रख दिया है अड़ा तो उसके ऊपर बैठ सकेगा ही खाना वगैरह हमने खा लिया है चिकू और दोनों ने आज से चिकू को मैंने ही पूरा खाना खिलाया क्योंकि चिकू कर रहे थे एडिटिंग और चिकू तो पहले मना बोल रहे थे मेरे को नहीं खानी है ये वाला पराठा पर खाया इसके बाद तो क्या टेस्ट लगा है मुंह पे ज़बरदस्त का कैसे थे मस्त यूँ कह दो तो बस यहीं पर कर देती हूँ मैं ब्लॉग का एंड अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग मिलते हैं कल के अच्छे से ब्लॉग में ओके बाय